80 ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਲਗੇ ਹਾਂਜੀ यस स्टूडेंट्स जी, तो आज हमारा एक मोटिवेशनल लेक्चर है जिसका मौजू है नाकामी या मायूसी गुनाहे कबीरा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जिंदगी है एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए, भरपूर जज्बा जरूरी, और भरपूर जज्बे के लिए अज़्म जरूरी है, डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं वो जरूरी है। आप अगर किसी भी वजह से किसी भी बात में अगर आपको कोई आपका हदफ हासिल नहीं होता या जो आपने अपने सामने एक टारगेट सेट कर रखा है वो आपको नहीं मिलता तो उसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। मैं जिंदगी की जंग में हारा जरूर हूं लेकिन किसी महाज पे पसपा नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जिंदगी हमें नहीं पता कब तक हमारे पास है, हम नहीं जानते कब तक इस दुनिया में या माशरे में हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें नहीं पता। अब जबकि हमें नहीं पता तो अगर ये जो वक्त हमें मिला है वो हम मायूसियों में और फिक्रमंदियों में गुजार देंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने मायूस होने वाले लोगों को काफर करार दिया है, यानी मायूसी कुफर है। आप ये सोच लीजिए स्टूडेंट्स, नाकामी वो होती है, किसी चीज का ना मिलना नाकामी नहीं है। नाकामी क्या है? नाकामी ये है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली जिसे आप चाहते हैं तो उसके बाद अगर आपने हिम्मत हार दी और आपने स्ट्रगल छोड़ दी और जदोजहद छोड़ दी, इसको हम नाकामी, असल नाकामी कहते हैं। हजरत अली साहब का भी फरमान है ना कि किसी भी मुश्किल हालात में दुखी हो जाना या मायूस हो जाना सबसे बड़ा दुख है। हालात बदलते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जिसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर नहीं वो हलाक हो जाएगा। आने वाले कल को बेहतर बनाना है हमने, चाहे हम किसी तरह के भी हालात में, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, कितनी ही मजाहिर हमें मुश्किलात हो, मायूस नहीं। देखिए ये दौरे जदीद जरा सा अजीब दौर, यहां आप इंटरनेट पे देखते हैं कि दुनिया क्या है, चूंकि ग्लोबल विलेज में दुनिया तब्दील हो गई है, आप पूरी दुनिया के हालात इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर हम ये भी करते हैं कि जो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें देख के हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं ऐसी गुजार रहे। आप उनको देखा करें जो आपसे कम तरीके की जिंदगी गुजार रहे, फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे। कितने ही लोग हैं, आपको आप बीएससी कर रहे हैं ना, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना नसीब ही नहीं हुआ, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद जहीन होने के बावजूद अपनी तालीम जारी नहीं रख सके, उनके हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे। और कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने हालात की वजह से एफएससी के आगे नहीं जा सके। तो ये देखिए आप कितने लोगों से बेहतर हैं। हमेशा ये देखा करें कि जिस मकाम पे हम हैं हम इससे नीचे वाले मकाम पे भी तो हो सकते हैं, जिस सीढ़ी पे हम खड़े हैं हम उससे नीचे वाली सीढ़ी पे भी तो हो सकते थे ना। डूब जाना तो कोई बात नहीं है लेकिन, डूब जाना तो कोई बात नहीं है लेकिन, बाय से शर्म है तूफा से हरासा होना,
मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि खौफ और लालच को अपने करीब ना आने दीजिए। ये जो शिकस्त का खौफ होता है ना, ये हमें कुछ करने नहीं देता। उसकी एक मिसाल ये दी लीजिए कि एक मुलाजमा है किसी घर में, वो रोजाना सफाई करती है, अपने अपने मालिकन के कमरे की सफाई करती है। एक दिन उसे उसकी मालिकन ये कहती है कि ये जो मेज पे गुलदान पड़ा हुआ है ना, ये गुलदान बड़ा कीमती है, तुमने ये गुलदान नहीं फूटने दिया। देखिए उसे सफाई करते 2 साल हो गए, करती रही बागवान में, लेकिन आप उसे खौफ पैदा हो गया कि ये गुलदान ना मुझसे टूटे, ये गुलदान आज से पहले भी पड़ा हुआ है। मैं पूछ रहा, जब वो बार बार उस गुलदान की हिफाजत करने लगेगी ना, क्योंकि उसके जहन में खौफ है, तो उससे टूट जाने का इम्कान ज्यादा है। लगनी आप किसी भी चीज का अगर खौफ जहन में बिठा लेंगे ना, या दिल में बिठा लेंगे, तो आप कतल भी फिर उस चीज को हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके लिए कोशिश कर रहे। खौफ को अपने करीब ना आने दे, ना उम्मीदी को अपने करीब ना आने दे। अगर आप ना उम्मीद हो गए या मायूस हो गए, तो आप समझिए कि आप जिंदगी हार गए। एक जज्बे के तहत अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाए, आगे फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ये मैं आपसे बार बार ये कहता रहता हूं कि आप अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ हालात से मुख्तलिफ हालात में ले जाता है। आज आप एक तरह के हालात में हैं, कल दूसरी तरह के हालात में। ये गुलाम मुस्तफा खर, आपने नाम सुना हुआ है ना, सुना है ना, इन्होंने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया,